आज हम बात करेंगे पुदीने को या मिंट को अपने ग्रो बैग के अंदर, किचन गार्डनिंग के अंदर, गमलों के अंदर कैसे घना करें विदाउट एनी फर्टिलाइज़र कटिंग के। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये मैं अपने बाज़ार से लेके आया था अपने यूज़ के लिए, जो डंठले बचे कूड़े में ना फेंक के मैंने क्या करा, इन्हें इस 18x6 के इस ग्रो बैग में लगा दिया। और लगाने के बाद कुछ कुछ जगह पे क्या रहा कि खाली रह गया, जैसे ये खाली है, जैसे ये खाली है। और इन्हीं गैपों को भरने के लिए हम इस तरीके में क्या करेंगे, मिट्टी को लेंगे, मिट्टी में गीला कर लेंगे और ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, इस ठोस इतना गीला होना चाहिए, नरम टाइप का। और फिर उसके बाद इनके लड्डू बना लेंगे कि जो आपकी ये पौधे की डंठल है, हाँ, किस तरफ को झुकाव आ रही है उस तरफ देखनी है, किस तरफ लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। फिर इसका एक पॉइंट पकड़ लेना है और उस पॉइंट पे, जैसे ये देख रहे हो आप, हाँ ये वाला पॉइंट को पकड़ के देखो, यस, तो इधर तक ये कवर इतना कर रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिट्टी, गिल्ली मिट्टी का जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे नुलाई कर लेंगे, नुलाई करने का, ताकि इसमें से ना हर जहाँ से एक पत्ता पत्ता निकलता है नोड से, जिधर से मिट के वहाँ से जड़ें भी निकलती है, बड़े प्यार से निकलती है, तो बहुत ईजली ये फैलता भी है, इसी कारण फैलता है जड़ से। तो हमने देखा है कि आपने देखा होगा इसमें एक नोड है, तो इस नोड पे अब हम क्या करेंगे, गिल्ली मिट्टी का, ज़्यादा गिल्ली मिट्टी नहीं है, मतलब नॉर्मल है ये, इसका एक लड्डू टाइप का इसके ऊपर क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे। इस रखने में बड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है, जो मिंट का तना होगा, डंठल होगी, वो क्या होगा, नहीं तो टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हफ्ते भर के अंदर आपका क्या करेगा, जड़ें निकलनी चालू हो जाएगी इस, और नीचे की तरफ न्यूट्रिशन ये लेना चालू कर देगा। फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे कि जो ये आई है इधर से और टूट जाएगी। अब ये क्या कर रही है, जो साइड में हमने ये मिट्टी लगाई है, ये इसलिए लगाई है ताकि कुछ पत्ते इसमें क्या करेंगे, गलेंगे जब मिट्टी के, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड कर दिया ताकि ये ऐसे ही हम क्या करेंगे। और अब देखेंगे कि कोई और भी है, हाँ, जैसे देखिए ये लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है आपका, अपने आप ही एक्चुअली में, तो हम इसके देखेंगे पॉइंट, यस है पॉइंट, तो उस पर आप मिट्टी का एक डला रख देंगे, गीली मिट्टी का डला आराम से, ताकि ये बैंड क्या बोलते हैं, खराब, ज़्यादा टाइट मत लगाना, नहीं तो टूट जाएगी डंठल, टूट जाएगी और जड़ नहीं निकलेगी, सूख जाएगा आपका ये। अब ये जो ऊपर की तरफ उठ रही है उसके परली तरफ इसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि पत्ता मिट्टी के में लगने से ना गले, मतलब नीचे ना चिपका रह जाए, उसको थोड़ा सपोर्ट दिया। अब ये भी डंठल देखो, बहुत प्यारी छोटी सी एक पत्ता निकला हुआ है इसमें। अब ये देखो अपना आप ही एक्चुअली में कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी का डला लेंगे, बीच में एक वहाँ पे देखो कोने पे, वहाँ पे एक रख देंगे, तो उधर भी ग्रो करने लगेगा मिंट, जहाँ जहाँ हम रख रहे हैं वहाँ वहाँ मिंट ग्रो करने लगेगा हफ्ते भर के अंदर, ठीक। और फिर एक साइड से नीचे से सपोर्ट इसलिए देते हैं कि वो सीधा ही रहे, नीचे को रहेंगे तो पानी देंगे तो मिंट बहुत जल्दी गलता है पानी से, ये भी आपको याद पता होना चाहिए। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे और कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है गैप भरने के लिए। अब ये देखिए, एक ये सबसे बड़ा है, ये जा रहा है हमारा, ये भी हमारा इधर की तरफ ही जा रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पत्ते बीच में आ रहे हैं, तो पत्ते बीच में आ रहे हैं तो उन पत्तों को हमें मिंट के हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम होने की, ओके, तो ये जो ये मिंट है इनके पत्ते तोड़ के फिर इनको दबा दिया, दबा के यहाँ पे मिट्टी लगा दी जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जगह जगह अपने मिंट को बैंड करेंगे और मिट्टी का डला ये वाला लड्डू राइप दबाते हुए चलते जाएंगे और रखते जाएंगे। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि जितने भी मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स है उसका लाभ आप लोगों को मिल सके, बेनिफिट मिल सके। देखिए, आप देख सकते हैं कि देखो मैंने ये सारा, इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12
12 मैंने मिंट जगह पे मिंट को दबा दिया गया है मिट्टी के डले से। अब ये इसका रिजल्ट देखेंगे आप हफ्ते भर के बाद। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फुहारे की मदद से पानी देंगे और इसका रिजल्ट हम हफ्ते बाद देखेंगे। देखिए हफ्ते बाद का इसका रिजल्ट है। ना ही हमने इसमें कुछ कोई कटिंग करी है, ना कोई फर्टिलाइज़र डाला है, सिर्फ क्या करा है कि मिंट को मोड़ दिया और एक मिट्टी का डला रख के उसे दबा दिया था। अभी देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ये देखिए आप, याद है मैंने ऐसे 12 जगह आपके मिट्टी के डले रख के, गीली मिट्टी के गले डले रख के इसको बैंड कर करके ना फोर्स देते हुए रखा था। और आप देखिए सब में बड़े प्यार से ग्रो कर रहा है और ये 15 दिन के बाद और घना होएगा। फिर दोबारा ये प्रोसेस अप्लाई करना तो आपका और अच्छे से होगा। आप देख लीजिए कहीं भी इसने जगह खाली नहीं छोड़ी है। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपसे इससे बेनिफिट मिलते ही रहेंगे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। देखिए पूरा पूरा। और हाँ, मैंने मल्चिंग करी हुई है, मल्चिंग करने के बड़े फ़ायदे हैं, ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने यहाँ पे। इससे नमी बनी रहती है और पौधीना बहुत अच्छी ग्रो करता है। ओके, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।